दोस्तों आजकल फेसबुक हर कोई चलाता है, और फेसबुक पर जब किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उसकी आईडी पर मतलब लॉक लगी हुई है, मतलब उसकी प्रोफाइल लॉक है, तो आप उसकी प्रोफाइल कैसे देखोगे? जब तक आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसकी प्रोफाइल नहीं देख सकते। तो दोस्तों आप लोगों के सामने एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी की प्रोफाइल लॉक है तो उसकी प्रोफाइल देख सकते हो, उसकी फोटो देख सकते हो, मतलब उसकी प्रोफाइल देख सकते हो बगैर कुछ उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आप लोगों के सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ कि ये देखो इसकी प्रोफाइल लॉक है, मतलब यहाँ पर प्रोफाइल लॉक है, मैं इसकी प्रोफाइल नहीं देख सकता, और आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जब तक मैं इसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करूँगा और ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक ये इसकी प्रोफाइल नहीं दिख पाएगी। तो आप लोगों के सामने एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इसकी पूरी प्रोफाइल देख सकते हो। तो आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, और जाने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं अपनी फेसबुक आईडी पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर एक ऊपर सर्च बार का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके सामने क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर जो सर्च बार में आप लोगों के सामने mfacebook.com दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आपको m के बराबर में बेसिक लिखना है। बेसिक लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो आप लोगों के सामने जो पेज ओपन होगा यहाँ पर सर्च फेसबुक, यहाँ पर आपको उस बंदे का नाम डालना है जिस बंदे की फेसबुक प्रोफाइल लॉक थी। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं नाम डाल रहा हूँ और सर्च कर दे रहा हूँ। तो सर्च करने के बाद जो जिस बंदे की फेसबुक आईडी लॉक थी मैं उसको सर्च कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर इस जिसकी जो फेसबुक प्रोफाइल लॉक थी तो आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुकी, और आप लोगों के सामने इसकी फेसबुक प्रोफाइल लॉक है। तो मैं इसकी जो डीपी है इसकी डीपी पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद इसकी प्रोफाइल मतलब जो प्रोफाइल लगी हुई है इसकी प्रोफाइल डाउनलोड हो चुकी है, मतलब इसकी फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं आप लोगों के सामने दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने इसकी फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी की भी फेसबुक प्रोफाइल लॉक है तो उसकी प्रोफाइल आसानी से देख सकते हो। तो यही एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप किसी की फेसबुक प्रोफाइल लॉक है तो उसकी फेसबुक प्रोफाइल आसानी से देख सकते हो इस ट्रिक को यूज करके। तो कमाल की ट्रिक थी, एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं आगे।